IUI क्या है, इसकी प्रक्रिया डॉक्टर संगीता सिन्हा से समझे। कुछ दंपतियों के लिए जो निसंतानता का सामना कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भधारण सामान्य रूप से गर्भवती होने की संभावना को बढ़ा सकता है। IUI एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो निसंतानता का इलाज करने में मदद करती है। इसमें निषेचन को बढ़ावा देने के लिए शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय के अंदर रखा जाता है। यह स्वस्थ शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने का एक तरीका है जो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। IUI में अच्छे शुक्राणुओं को अलग करने के लिए एक प्रयोगशाला प्रक्रिया शामिल होती है। एक छोटी ट्यूब की मदद से इन धुले हुए शुक्राणुओं को सीधे ओवल्यूशन के समय जब अंडाशय से अंडा निकलता है तब गर्भाशय में रखा जाता है। यह 5 से 7 मिनट की एक मामूली दर्द रहित प्रक्रिया है। इसे 3-4 बार दोहराया जा सकता है। IUI को कृत्रिम गर्भधारण के रूप में भी जाना जाता है। IUI, IVF, ICSI ये तीनों ही इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में किए जाते हैं। IUI में हम क्या करते हैं, IUI में पुरुष के स्पर्म्स को वॉश करके उनको यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि जब हम IVF करते हैं तो 10 से 12 दिन के इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद अंडे को अल्ट्रासाउंड गाइडेड 100 GA में इस अंडे को हम यहाँ ओवरी से बाहर निकालते हैं और फिर एक डिस्क में डालने के स्पर्म्स को छोड़ देते हैं। ये स्पर्म्स अपने आप फर्टिलाइज होते हैं। जब हम ICSI करते हैं तो ये जो अंडे हम बाहर निकालते हैं उनको सिलेक्टेड स्पर्म्स के साथ में एक ICSI मशीन में इनको इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये IUI, IVF, ICSI तो नई इनफर्टिलिटी के टेस्टेड ट्रीटमेंट है और सक्सेस भी इनके अच्छे हैं। इन दिनों के माध्यम से हम निसंतान दंपति को प्रेगनेंसी की ओर पहुंचा सकते हैं। ये जो स्पर्मिया पेशेंट कंफ्यूज क्या है ये, तो अगर पुरुष के शुक्राणु नील है उनको हम एजियोस्पर्मिया कहते हैं। अब इनका क्या कैसे मैनेज करेंगे, कपल्स को प्रेगनेंसी कैसे होगी? देखिए, बहुत बार टेस्टिस की साइज भी छोटी होती है और अंदर स्पर्म्स नहीं बनते होते हैं, तो इस केस में वी हैव टू टेक हेल्प फॉर द स्पर्म बैंक। वहां से आपको स्पर्म्स लेके मैचिंग के स्पर्म्स वाइफ के अंदर डलवाने हैं तो इससे प्रेगनेंसी आएगी। पर अगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं तो वहां से शुक्राणु को निकाल के टेसा या टेसे प्रोसीजर से ICSI करने से प्रेगनेंसी आ सकती है। कि बच्ची दानी में गांठ है और आपको IVF ट्रीटमेंट कराना है तो उस गांठ का इलाज कैसे होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांठ कहाँ पे है। अगर वो गांठ छोटी भी है पर आपके एंडोमेट्रियम के अंदर मर्ज कर रही है तो इट नीड्स रिमूवल। गांठ की साइज अगर 5 सेंटीमीटर से कम है और वो डिस्टेंट एरिया में है जो कि आपके बच्चेदानी की कैविटी को हैम्पर नहीं कर रही, तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, उसको कट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रॉइड कैसा है, सब सीरियस है, इंट्रामेरल है, कैविटी के अंदर जा रहा है, इंक्रोच कर रहा है, आपकी जो इम्प्लांटेशन है जहाँ पे भ्रूण डालेंगे वहां पे कुछ अड़चन तो नहीं डाल रहा, ये देखने के बाद ही आप फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी का प्लान करें या ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।